क्या हो रहा है? तेरा क्या कर दिया? ओए देख, सभी लोगों को मेरा प्रणाम। श्रीमान मणियार का 35वां स्मृति दिवस का फंक्शन हमारे गांव में मनाने के लिए अनुमति देने वाले कमलेश मणियार और उनके सगे मामा कैलाश का हम सब स्वागत करते हैं। सब लोग तालियां बजाइए। उन्होंने हमारे गांव के लिए मंदिर बनवाए, कुएं बनवाए, स्कूल बनवाए, रोड बनवाए, ये सब कोई भूल सकता है क्या? बताइए, कोई भूल सकता है क्या? जब मैंने कहा कि वेणु गोपाल की छोटी बेटी का फंक्शन करते हैं तो कमलेश जी ने कहा कि हाँ कर देते हैं। मैंने कहा कि आपकी बेटी को नचवाएंगे तो कमलेश जी ने कहा हाँ बिल्कुल नचवाएंगे। सुना भांजे, इसके लिए 5 लाख रुपए खर्च होगा, मैंने कहा था। 5 लाख रुपए? हम उन्हें तहे दिल से। मुझे बताया बिना तूने कब बोला? बहुत ही अच्छे। मुझे भी नहीं पता मामा, मैंने कब बोला? नशे में था क्या? प्रोग्राम अच्छी तरह से खत्म हो गया है, जिसे भी फोटो खिंचवानी है 5-5 करके आ जाए। साहब फोटो बाद में खिंचवा लेंगे, पहले पैसे तो दिलवा दीजिए। पैसा चाहिए ना कमलेश मणियार जी? कमलेश मणियार जी वो गए हैं पैसे लेने के लिए। कमलेश मणियार जी, कमलेश मणियार जी, अरे कमलेश मणियार जी। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? इवनिंग स्कूल से आने के बाद पापा घर पर रहेंगे या नहीं? इवनिंग को आप सबको घर में आने के टाइम पे पापा ही दरवाजा खोलेंगे, यही ना? इसका नाम अनु है। इस दुनिया में जो बहुत से लोगों को नसीब नहीं होता वो इसे मिला है। वो क्या है ऐसा पूछ रहे हैं ना? क्योंकि एक ही डिलीवरी में 4 बच्चियों को जन्म दिया है इसने और वो सभी एक जैसी हैं। लेकिन ऐसे लोगों की कुछ समस्याएं हैं। हेलो हेलो मैडम, एक हैप्पी न्यूज है, आज आपके फैसले का आखिरी दिन है मैडम। ओके, डेफिनेटली डिवोर्स तो मिल जाएगा मैडम। आप दोपहर तक 3 बजे के आसपास कोर्ट आ जाइएगा। ओके थैंक यू। पापा, सॉरी पापा। इसका नाम है मीनाक्षी। ये क्या भाई, सिर्फ सॉरी बोलकर अपना बैग लेकर कहाँ निकल रही है? ऐसा ही सोच रहे हैं ना आप? सही है, जैसे आप लोग सोच रहे हैं वैसा ही अपना बैग लेकर बॉयफ्रेंड के साथ भागने की तैयारी कर रही है। दादी मेरी आज 3 बजे शादी है। जानती हूँ आपके लिए शॉकिंग न्यूज़ है, बाकी की डिटेल्स मैंने पापा के लेटर में लिख दी है, आप अपना काम जारी रखिए। चलो देखते हैं अपने फ्रेंड के पास है क्या। चलो एक बार फोन कर लेता हूँ। ओहो, तुम क्यों नहीं नहीं करके दिमाग चाट रही हो? मैंने कहा ना मैं मेडिकल शॉप में जाकर ले रहा हूँ, उससे पहले तुम मेरा दिमाग खा रही हो। नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। अरे भाई नाइट्रो कैप्सूल 10 mg, उसका एक स्ट्रिप देना। नाइट्रो 10 mg का एक स्ट्रिप चाहिए? हाँ।
पूरा बॉक्स ही क्यों नहीं ले लेते हो? वो भाई वो नींद की गोली है, प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं दे सकते, जाकर प्रिस्क्रिप्शन लेके आओ। अरे मालूम है यार, लेकिन वो बुढ़ी है ना, बार बार नींद नहीं आ रही है बोल रही है, कुछ कोशिश करो ना। सिर्फ दो गोली दे सकता हूँ, चलेगा? हाँ ठीक है रुको, लेके आ रहा हूँ। इसका नाम कादिर है, कॉमेडी भी सीरियसली ही करता है, और आज ये सीरियस कॉमेडी करने वाला है। आज ये खुदकुशी करने जा रहा है। हीरो भी शूटिंग के वक्त कट सुनता है तो पंच डायलॉग बोलना रोक देता है, लेकिन ये अपनी चारों तरफ कैमरा घूम रहा है ऐसा ही फील करता है। ये लो। थैंक्स सर। उसको मैंने पैसे ज्यादा तो नहीं दे दिए ना? चल बेटा कादिर भाई, ये तेरे लिए बहुत ही खतरनाक है। हाँ हाँ, मैं ऑफिस में ही रहूंगा और फोन भी चालू रहेगा, मैं बाद में कॉल करता हूँ। ओके। आज कृतिका का बर्थडे। अच्छा, हाय कृतिका, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। एक मिनट सर। क्या है सचिन, आपका भी बर्थडे है? नहीं, मेरा नहीं है सर, आपके लॉयर आपको फोन लगा रहे थे, आपका फोन एंगेज आ रहा था तो उन्होंने मुझे फोन किया। ऐसा लग रहा है कि ये लास्ट हियरिंग है, डिवोर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मेहनत की है वो मेरे बच्चों के ऊपर नहीं आनी चाहिए। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट है ये डिवोर्स। सर, आप अपने घर वालों से हफ्ते में 2 दिन बच्चों को देखने के लिए विजिटेशन परमिशन मांग सकते हैं क्या? हाँ, मांग सकते हैं। जन्म देने वाला बाप ही अपने बच्चों को देखने के लिए अपनी बीवी से परमिशन मांगता है, वो भी एक इंसान के सामने। सर, उन बच्चों के हिसाब से तो अपनी कंपनी जैसे चलती है, फैमिली भी बिल्कुल वैसी ही चलती है, और उसमें जो भी नुकसान होगा वो बच्चों का होगा, वो ये बात नहीं समझते। इनका नाम है राजा, इनके यहाँ 4 महालक्ष्मी का जन्म एक साथ हुआ है, इसलिए धन लक्ष्मी का सपोर्ट चारों हिस्सों में बंटना चाहिए। वो ऑफिस में ही अपना सारा वक्त गुजारते हैं, नतीजा ये है कि ये बच्चों से मिल नहीं पाते, बच्चों को कब देख पाएंगे ये भी सोचना मुश्किल है। और डिवोर्स के लिए इंतजार करती हुई माँ अपने लवर के गले में मंगलसूत्र बांधते वक्त मरने के बारे में सोच रहा यह कादिर, बाप को उल्लू बनाकर आज शादी करने जा रही है यह मीनाक्षी, इन चारों के नसीब में क्या क्या चमत्कार होते हैं आइए देख। मामा, आप मुझे कब से जानते हो? जब मेरी बहन ने तेरे को जन्म दिया और तूने चिल्लाया वाह वाह, तब से जानते हो। कहाँ से आ रहे हो? अरे मामा भांजे, कहाँ से आ रहे हो? 10:30 के बाद हम किसी से बात नहीं करते। क्यों? हम नशे में जो बोले तुम सच मान लेते हो। क्या हुआ? कुछ मजा नहीं किया, 5 लाख का कर्जदार बनकर आ गए हम लोग। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मोहल्ले में लोग चैन से नहीं सो पाएंगे। हम लोग सोने नहीं दोगे क्या? सो जाओ। सोने भी नहीं देते। चुप चुप चुप। ए, सोने दो यार। अरे सो जाओ। भांजे, लगता है बहुत बड़ा मैजिक मैन है, 2 पैरों को फोल्ड करके 4 पैर बना दिया उसने। अच्छा, जरा मैं भी देखूं। मामा, उसमें से 2 गोरे और 2 काले पैर दिख रहे हैं। मर्द के पैर में पायल कहाँ से आ गई? तेरे पैर तो काले, गोरे वाले पैर कहाँ है बता? टेंशन हो रही है मुझे, बता। पैरों को छोड़ो, पायल कहाँ गई वो पूछो। पायल कहाँ है? दुबई के सेठ से हाथ पैर जोड़ के 15 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ अपनी बीबी के साथ सोना कोई गुनाह है क्या? तुम्हारे मजाक की कोई सीमा ही नहीं है। तो अच्छा, तुम दोनों पति पत्नी हो गया, माफ करना दोस्त। अरे सुनती हो क्या? अरे वो लोग चले गए। हाँ चले गए। लड़की का पैर मुझे भी देखना है। माँ, क्या हुआ बेटा? एक तो पहले ही मेरे सर में 1000 काम पड़े हुए हैं और ऊपर से तुम इरिटेट कर रही हो। बात क्या है बेटा? सुबह सुबह कहीं जाना मत, कुछ जरूरी काम है, घर पर रहना बोलकर चले गए, ऐसा क्या काम है माँ? ए, पापा के बारे में ऐसा मत बोल, वो बहुत सीधे इंसान है, कोई जय सिंह नाम का आदमी है, पापा को बड़ा बनाने की बात कर रहा है। तेरे दादाजी की जायदाद बेच कर चुका रहे थे, आखिर मैंने बेवकूफ बना दिया, अब बेचने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए 15 दिन से घर पर बैठे हुए हैं तेरे पापा। अरे माँ, तुम बिना सुबह सुबह। कमलेश, मैं बिना पति के रह सकती हूँ, तू पापा के बिना रह सकता है क्या? मैं पापा के बिना रह लूंगा, आप पति के बिना नहीं रह सकती। रहने दे रहने दे, पापा का बरामदे में बैठना हमारे लिए गर्व की बात है, समझा करना बेटा। पापा किसकी प्रार्थना कर रहे हैं? पापा, पापा,
क्या हुआ बेटा? भगवान तो उधर है, दादाजी की फोटो इधर है, उधर किसकी प्रार्थना कर रहे हो? जरा बताओ। नहीं, अरे ये सब क्या है? जय सिंह का आशीर्वाद? जय सिंह मतलब घोड़ा? पापा तो इसका मतलब दादाजी की सारी जायदाद घोड़े की रेस में लगाओगे आप? मतलब जय सिंह कोई आदमी नहीं है, घोड़ा है, माँ को पता चलेगा तो क्या होगा पता है ना? मर जाएगी। मैं अपनी बीवी के बिना रह सकता हूँ, तू अपनी माँ के बिना रह सकता है क्या? मैं अपनी माँ के बिना रह सकता हूँ, लेकिन आप अपनी बीवी के बिना नहीं रह सकते। हाय सुनिए, घर पर घोड़ा आया हुआ है। रश्मि मैं अभी आया। अरे जल्दी आ, मैंने घोड़े को लाने के लिए कहा था। किसके लिए जी? जब शादी हुई थी तो मेरी उम्र कितनी थी? 23 साल थी जी। और तुम्हारी उम्र क्या थी? 17 साल। अभी हमारे बेटे की उम्र क्या है? 23 साल। तो शादी करवानी पड़ेगी ना? हाँ करनी तो पड़ेगी, पर लड़की कौन है? तू अभी भी नादान है। हनुमानगढ़ी में मेरे रिश्तेदार की बेटी है, चलो चलते हैं, बात पक्की कर लेते हैं। देखो जैसा हमने सोचा था वैसा ही हो रहा है बेटा, हमारे पहचान की लड़की हमारे घर बहू बन के आ रही है। रामनाथ घोड़े के लिए पैसे कहाँ से? उसे मैंने रसोई से निकाल लिया। अरे अब खाना क्या सड़क से खरीद के खाएंगे? हिम्मत मत हारो, भगवान है। क्या भांजे के रिश्ते की बात हो रही है? होने दो मामा, खुशी की तो बात है, चुपचाप चलो ना। क्या क्या देखना पड़ेगा क्या पता। कहो कैसे आना हुआ? मैं तेरे घर में दावत खाने नहीं आया। आधा ग्लास पानी भी नहीं है। जो जरूरत पड़ने पर खड़ा होता है वही दोस्त होता है, और कोई सोचेगा नहीं उस वक्त आकर जो खड़ा होता है वो है कादर। क्या यार सुबह सुबह मैं यहाँ क्यों आया ये पूछ रहे हो? आने वाले हर दिन तू मेरी बाइक को कितने गौर से देखता है, जिंदगी में तुझे एक बार भी चलानी मिलेगी या नहीं ये बात तू मन ही मन हमेशा सोचता रहता है, और ये मैं जानता हूँ। वो तेरी बाइक है क्या? वो मेरी थी लेकिन अब तेरी है। तेरे आंसू निकलने से पहले मैं यहां से चलता हूं। आखिर बात क्या है, शादी की हुई बीवी को मुझे देकर जा रहा है, इतनी पुरानी बाइक के साथ ये कैसे अपना दिन गुजार रहा है? ये तो बिल्कुल गई गुजरी बाइक है। थू। सुबह सुबह चले आते हैं पता नहीं कहां से, मूड खराब करके रख दिया। ट्रैफिक में कौन से रास्ते से जाऊं भूल गई हूं। हेलो हेलो मैडम, आप आ रही हैं ना? हाँ हाँ आ रहे हैं, बस करीब ही पहुंच गए। 2 मिनट्स। ओके ओके ओके। हे मीनाक्षी, अच्छा एनीथिंग स्पेशल? चेहरा कितना खिला हुआ है, 2 दिनों से सोच रही थी कि तुझसे पूछूं। समथिंग समथिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय 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 बाय। हे मीनाक्षी, एनीथिंग स्पेशल? आखिर तुम्हारे दिल में कुछ तो चल रहा है, मुझे बताओ। हाँ समथिंग समथिंग। ओहो तुम अभी यहाँ क्यों आए हो? आज दोपहर 3 बजे तुम्हारी हमारी शादी होने वाली है, बस यही बताने आया हूँ तुम्हें। ओहो मैं सारा सामान लेकर आई हूँ, ठीक है ना? 3 बजे रजिस्टर ऑफिस में तुम नहीं आई ना तो देख लेना। तो तुम क्या कर लोगे? मैं तुम्हें दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और तुम ऐसा कह रही हो? ओ, ओ, मैं 3 बजे रजिस्टर ऑफिस पहुँच जाऊंगी, पहले तुम जाओ। मीनाक्षी टाइम पर आ जाना प्लीज। One minute. Excuse me, ma'am. Good morning, children. Meenakshi, तुम इनके साथ में जा रही हूँ इसीलिए इन्हें भेज रही हूँ, वरना आखिरी वक्त तक मेरा मन नहीं कर रहा था। Don't worry, ma'am. मैं संभाल लूंगी। और मीनाक्षी ये इनकी दवाइयाँ हैं, भूले बगैर खाने के टाइम पे इनको दे देना प्लीज। Sure, ma'am. ना भूलूं इसलिए सेलफोन पर रिमाइंडर भी लगा रखा है। थैंक यू।
बाय। Strangers giving you chocolates, chips, water, don't have it, okay? Remember, okay? बच्चों को ये मत करो, वो मत करो नहीं कहना चाहिए, उन्हें सब कुछ खाना चाहिए। They should get anything, you know? तो फिर ऐसा करो सर, जब ये घर वापस आएंगे तो इन्हें चार बोतल बियर दे दूँ। They will get new, you see? Okay, bye, bye, take care. मैं गार्ड के रूम में आता हूँ, तुझे ठीक है। आओ कादिर। अरे कमाल है भाई, बिना देखे ही पहचान जाते हो। हाँ, तेरे अलावा मेरे दुकान में और कौन आएगा? इस तरह क्या सुन रहा है, एक हफ्ता हुआ है लेके। और भाई सब कैसा चल रहा है? सुपर चल रहा है, मान मर्यादा इज्जत सब कुछ है, बस एक तू आया है मेरा दिमाग खाने के लिए। सुबह के बॉयलर से ज्यादा तू ही गर्म दिख रहा है यार। तो फिर गर्म नहीं होगा तो क्या होगा? जू में आने वाले लोग घर से ही खाना लेकर आते हैं, यहाँ बैठ कर खाते और कचरा फेंक कर चले जाते हैं। उसे क्यों ठोक रहा है, अभी नीचे गिर जाएगा। अंदर जाकर लोग ज्यादा पैसा देकर भी खाते हैं, लेकिन मेरी दुकान पर कोई नहीं आता। अरे तेरा नाम क्या है? हाँ मामुट्टी। अरे तेरा नाम बता। जोशी। जोशी? हाँ। आज भगवान तुझे छप्पर फाड़ के दे रहा है। दे दिया और हाँ? गल्ले में रख नहीं पाएगा, इतना पैसा आने वाला है तेरे पास। ओ, मेरे पास गल्ला नहीं है, पैसा कहाँ पर गिरेगा? हा? क्यों बड़े भाई, पैसा नहीं है क्या देने के लिए जो इतना बड़ा बड़ा फेंक रहे हो? तेरी दुकान पर हिसाब से ज्यादा ग्राहक आने वाले हैं। अरे जो उधारी मांगने वाले हैं वो सारे एक साथ आने वाले हैं क्या? चल एक से दस तक कोई नंबर बता। ठीक है चार। ये चार नंबर ही लक्ष्मी को खींच कर तो पैसे आने तक घर के अंदर ही रहो, हर वक्त हर घर से खाना आएगा बोल दिया है। भूख सह नहीं होती, ये सब क्या हो रहा है हमारे सही वक्त पे कोई खाना नहीं दे रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं क्या पता। आज कौन खाना देने वाला था? वो सुक्कू के यहाँ से जी। अपना पड़ोसी सुक्कू? जी हाँ। वो अपने माँ बाप को नहीं खाना खिलाता, हमें क्या खाना देना। क्या सुक्कू क्यों रे, खाना गरम गरम लेके आएगा तो खाने में मजा आएगा ना। आज खाने में क्या बना है? ये क्या इडली और गुड़, इसे कैसे खाएंगे? जहर लाऊंगा तो खाओगे? लेकिन आप बड़े खुशनसीब हो भाई, बगीचे में बैठो या घर में बैठो खाना मिल ही जाता है आपको। तुम्हें देखकर जलन होती है, मुझे जलन होती है। थु, तेरी तो, इसके लिए रोज आदमी को खाना लाना होगा। गांव की पंचायत ने भी अच्छा फैसला किया है। रश्मि सुकून नजर लगा कर जा रहा है, उसकी नजर बहुत खराब है, उसके पैर की मिट्टी उठा के मेरे ऊपर घुमा। तुरंत लेके चलता है हमसे। ये क्या हो गया हमारे साथ, जो परिवार पूरे गांव को खाना खिलाता था, आज एक वक्त के खाने के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाने की नौबत आ गई है। मैं उसे श्राप देती हूँ, वो कभी खुश नहीं रहेगा। जैसे मैं आपका बेटा हूँ उसी तरह वो ड्राइवर भी किसी माँ का बेटा होगा। अगर आपका श्राप उस माँ को पता चलेगा तो वो दुखी नहीं होगी क्या? उसको क्या तकलीफ नहीं होगी? अब उसे क्या पता था कि बैग में पैसे हैं? एक ड्राइवर को कितने पैसों की जरूरत होगी, 5,000-10,000? वो पैसे लेके उसे बाकी पैसे वापस कर देने चाहिए थे, यही उसकी गलती है। माँ अगर तुम उसे शराब दोगी और उसे कुछ हो गया तो मेरा बेटा जो पैसे लाने गया है आप ही बताओ कैसे लेके आएगा। हाँ बेटा, आपका दिमाग खराब हो गया है, ये लीजिए खाइए। नहीं बेटा तुम खा लो, मैं और रश्मि बाद में खा लेंगे, तुझसे भूख सहन नहीं होती ना, खा ले। क्या हुआ मेरी जान? आजकल मेरे लिए तुम्हारे दिल में प्यार कम हो गया है ना? अब 3 दिन में सिर्फ एक बार बुलाते हो मुझे, क्या है ये सब? विस्की लोगी? अरे अरे मैं ब्रांडी पीती हूँ ना। जिंदाल। आया भाई आया। भाई है बेवकूफ, भाई इंडियन और अच्छी क्वालिटी की ब्रांडी लेकर आ। एक बॉटल काफी है क्या दीदी? चल निकल। आता हूँ दीदी। कमाल है, देखना भी गुनाह है। ए तो इधर ही रहना, मैं बोतल लेके आता हूँ। ठीक है, जल्दी जा कर आ। मैं तो रस्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, हमेशा की तरह आधा पीकर पानी भर देता हूँ।
भांजे उसे देख, जिंदगी भी मजदूरों जैसी हो गई है। चैकान का आदमी है ना वो? हाँ वो वही है। चल चलो उसका पीछा करते हैं। इन लोगों ने मुझे देख लिया है, लगता है पकड़ लेंगे। ये जा कहाँ रहा है? क्या हुआ जिंदाल, अब तक क्यों नहीं आया? भाई अभी देख कर आता हूँ। वो रुक गया, लगता है वो कुछ सोच रहा है। रूट बदलकर इनको नचाता हूँ। हम लोग के पास भी दिमाग है सोचने के लिए। ए, ए जिंदल, ए जिंदल, ए, यहाँ आने की बजाय वहाँ कहाँ जा रहा है? ए पागल! अरे ये खेल बिगाड़ रहा है गधा। अबे तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? चल इधर आ। अरे गधे चुप हो जाओ। भाई यहाँ है, तू कहाँ जा रहा है? अरे पेशाब करना है तो ऊपर आना। अरे जाओ ना। ए, ए, जिंदल, ए, अरे इस दड़ियल को क्या हो गया? अरे रे मैं भाई को क्या जवाब दूं? क्या बात है जान? अरे दो हीरो जैसे लड़कियां हैं जान। क्या कहा, दो हीरो? अरे मेरी घड़ी खराब हो गई। क्यों मार रहा है मुझे? मेरा पैसा कहाँ है? कहाँ है पैसा? तूने जो चोरी की है वो पैसा कहाँ है? पैसा? समझता क्या है तुझे? क्या समझता है? मेरी यह हालत हो गई, क्यों परेशान करता है बार बार? क्यों क्यों क्यों? माँ कसम मेरे पास पैसे नहीं है। क्या कहा? तेरे पास पैसे नहीं है तो इस तरह हम लोगों से तो छुप छुप के क्यों रहता है? क्या कहा? मैं तुम लोगों के डर से छुप कर बैठा हूँ? उस दिन एसपी ने क्या कहा था याद है? 19 तारीख को विंड मिल नहीं खुलेगी या किसी और के जरिए तुम लोगों को तकलीफ होगी तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। एसपी मैं घर पर बैठा हूँ और मुझे मार, ऐसा बोलूंगा? मैं तो अपनी जान बचाकर भाग रहा हूँ। तूने पैसे नहीं चुराए तो इस अय्याशी के लिए पैसे कहाँ से आए तेरे पास? एक नंबर का बेवकूफ है। ये पैसे हैं क्या? एक पैसे हैं? 2000 के एक नोट से वो बोर होती है, इसीलिए उसे चिल्लर देता हूँ। अच्छा तुमने सोच कैसे लिया कि मैंने तुम्हारे पैसे चुराए हैं? उस दिन एसपी साहब बुलाकर तुझे धमकी दे रहे थे, तो उस दिन जो तूने मुझे लुक दिया था उसका मतलब क्या है? क्या मतलब है? मुंह तोड़कर एसपी ऑफिस में कंप्लेंट देगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, उसका यही मतलब हुआ ना? अरे रे रे, ऐसा मतलब नहीं था भाई। मेरी पिटाई करके उल्टा तू एसपी से कंप्लेंट कर रहा था, इसीलिए मैंने ऐसा लुक दिया था। मामा भांजे, भांजे तू पैसा कहां गया? आप अंदर नहीं जा सकती हैं। मुझे अंदर जाना है। एक बार बोला ना आपको, मैं उन बच्चियों की माँ हूँ, मुझे ऑफिसर से मिलना है। I'll call you back. सर, what's happening? वो मेरी बच्चियाँ हैं सर, क्या हुआ है मेरी बच्चियों को? मैडम प्लीज, मुझे मेरी बच्चियों को देखना है। प्लीज मुझे मेरी बच्चियों को देखना है। मैडम आपका डर क्या है मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। देखिए सांप एक ऐसी चीज है जो इंसान की नजर में आसानी से नहीं आता, वो कहीं भी हो सकता है। 1000 acre का जू है मैडम, आप अंदर जाएंगे और आपको जरा सा भी कुछ हो गया तो आपकी बच्चियों को बहुत तकलीफ होगा। सो मैडम प्लीज, प्लीज हिम्मत से काम लीजिए, उन्हें कुछ नहीं होगा मैडम, प्लीज। जू से भागते समय मेरा फोन कहीं गिर गया, अगर आप अपना सेल फोन देंगे तो मैं एक फोन करना चाहता हूँ। अरे वो तो अंदर गिर गया है, बाकी सब लोग बाहर भाग गए हैं, अंदर तो सिर्फ सांप घूम रहा है। और तू किसे कॉल करना चाहता है? जू के अगर बाहर गिरा हो तो कोई उठाकर ले गया होगा ना सर। ये ले। मैडम जो मैप में बताई थी वो यही जगह है, आइए अंदर चलकर देखते हैं। कमिश्नर, यस सर। कोई बड़ी प्रॉब्लम है क्या?
हूँ। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, मीडिया बात को बढ़ा चढ़ा कर बता रही है, that's all sir। अगर ऐसी बात है तो ठीक है। ओके सर। अच्छा, आपने अंदर जाने की कोशिश की थी? सर, मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट वो हमें अंदर जाने नहीं दे रहे। जू का प्रोटोकॉल, रूल्स एंड रेगुलेशन का हवाला दे रहे हैं। बच्चों का मामला है, केयरफुली हैंडल करना। करेक्ट सर। या अभी इनके स्टाफ अंदर सर्च कर रहे हैं, सो वी कांट गो इनसाइड। आप वहीं से हैंडल कर लेंगे? या जरूरत हो तो बोलो, मैं आ जाता हूं। डेफिनेटली सर, मैं थोड़ी टाइम देखता हूं, देन आई विल। मालिक, शायद आप कुछ बात करने वाले हैं, हम चलते हैं। 5 साल की उम्र में 300 रुपए का केक लेकर मुंह में ठूस देते हैं। 5 साल की उम्र में 50 ड्रेस खरीद के हर 5 मिनट में बदलते रहते हैं। 8 साल की उम्र में डांस क्लास, सिंगिंग क्लास में भेज देते हैं। 10 साल की उम्र में एसी कार में स्कूल जाते हैं। जवानी में किसी के साथ भाग जाते हैं और हमें ढूंढने के लिए लगा देते हैं। पुलिस में कंप्लेन करेंगे तो खानदान की बदनामी हो जाएगी, और वो भी आज शाम तक अगर हमने नहीं ढूंढा तो लात मार के हमें घर से निकाल देंगे। ये भी कोई नौकरी है यार? छे, इस काम से अच्छा है किसी बीच में जाकर हम लोग उधर देख। कौन है भांजे? हेलो, क्या मृदुला कौन? तुम उसके मंगेतर हो या नहीं बताओ? हाँ हूँ। तेरी मंगेतर के साथ मैं अभी सुहागरात मनाने वाला हूँ। ए, कौन है तू? क्या हुआ भांजे? ए, अगर तुम मर दे तो वहीं रुक, मैं अभी आ रहा हूँ। तू जल्दी से पुरानी मार्केट में आ जा, मैं वहीं वेट कर रहा हूँ, चल आ जा। कौन है भांजे? ए, ए, हेलो। ए, ये तो अपने मालिक के घर में रिश्ते की बात करने आया था। हाँ, ये वही आदमी है, मालिक ने इसको भगा दिया था, इसीलिए इसने लड़की को किडनैप कर लिया होगा। करेक्ट, साइलेंटली फॉलो करो इसे। ओके ब्रो। मैं चिल्लाने को मना किया है मैंने, बेवकूफ। चल उसे फॉलो करते हैं। मालिक, बच्ची के बारे में कुछ पता चला क्या? अगले 2 मिनट में मैं आपको खुशखबरी दूंगा। हाँ मालिक, हाँ मालिक। ए बेवकूफ, चिल्ला मत। नहीं चिल्लाऊंगा ना। हेलो, कौन है? कौन है? हेलो, हे, कौन है तू? शादी के बाद असल में मुझे 3 बच्चे चाहिए, लेकिन मेरे 3 बच्चे मैं जिससे प्यार करती हूँ ना कमलेश, उसके जैसे होने चाहिए। जब ये विदेश पढ़ने गया था तब वहाँ एक लड़की को गर्भवती बना दिया। मैंने तेरा अपहरण किया है। हा? इसकी वजह जानना चाहती है? कौन हो तुम लोग? हम आपके छोटे भाई 5 पांडव हैं। मैं कौन हूँ? आप हमारे बड़े भाई हो। ये कौन है? ये हमारे घर का पहला वारिस है। वारिस नहीं है, नालायक वारिस है। हमने इसे विदेश भेजा था ना, सोचा था कुछ अच्छा करेगा, जिंदगी में आगे बढ़ेगा, लेकिन देखो ये तो बिगड़ गया। बात सुनकर आप पागलों की तरह बात करते हैं। ये हमारे बड़े भाई है और तुमने हमारे बड़े भाई के ऊपर हाथ उठाया? अब इसे लड़की कौन देगा? उम्मा। ए, मुझे हाथ मत लगाना। तुझे, तूने अपने प्यार को बचाने के लिए मेरी लाइफ खराब कर दी। तूने अपने मंगेतर को हीरो बनाने के चक्कर में मुझे जीरो बना दिया। तेरी बातों पर विश्वास करके आज तक मेरी शादी नहीं हो पाई। मैं तो वापस विदेश चला जाना चाहता था, लेकिन मेरे बाप ने मेरा पासपोर्ट चला दिया। मैं साइको हो गया। इस दुनिया में अपने आप को साइको बोलने वाला मैं पहला इंसान हूँ। क्या बोला था तूने? उससे 3 बच्चा पैदा करके वो बच्चे मुझे बाप बुलाएंगे? नो। अब तू मेरे बच्चे पैदा करेगी और मैं उन बच्चों का बाप बनूंगा। कैसा है मेरा रिवेंज? अभी तू मेरे कंट्रोल में है, तेरा मंगेतर आ रहा है। बच्चे पालने के लिए पैसा नहीं चाहिए क्या? इसलिए तुम लोगों ने जो 1 करोड़ रुपए जमा किए थे उसे मैंने अपने आदमियों के जरिए हासिल कर लिया। अभी थोड़ी देर में ड्रामा स्टार्ट। प्रे।